जहां एक ओर पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी को लेकर परेशान है, वहीं रायबरेली में दबंगों की दबंगई कम होने का नाम नहीं ले रही। मामला बसरावा थाना क्षेत्र के दुलमपुर का है, जहां ट्यूबवेल से पानी न देने से क्रोधित दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। हमले में एक की मौत और तीन घायल हो गए। आपको बता दें, दुलमपुर के शीतला प्रसाद के बगल के पड़ोसी ने आधा दर्जन लोगों के साथ घर पर चढ़ाई कर जमकर लाठी डंडे व कुल्हाड़ियों से मारपीट की गई, जिसमें शीतला प्रसाद के बड़े पुत्र सतीश कुमार मिश्रा की मौत हो गई। साथ ही शीतला प्रसाद सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही आपको बता दें कि सतीश कुमार मिश्रा की उम्र 30 साल थी, उसकी पत्नी और दो बच्चियां थी। बेटी और पत्नी सहित पूरे परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। इस संबंध में थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, अतिशीघ्र अपराधियों को पकड़कर जेल भेज दिया जाएगा। रायबरेली से ब्यूरो हर्षित द्विवेदी की रिपोर्ट। तो घर के अंदर मारा? हाँ, घर के अंदर मारे। और किसको किसको मारा? इनके बाप को मारे। बाप का क्या नाम है? बाप का नाम शीतला प्रसाद मिश्रा। इनकी माता का क्या नाम? माता का नाम बता। माता के साथ ही मार? हाँ, माता को तो खोपड़ी फूटी बैठी। अच्छा, आपकी बेटी घर ही पे थी? हाँ, हमारी घर पे थी। बिटिया भी चोटे आई। बिटिया को भी? हाँ, बिटिया भी चोटे आई। ठीक भाई, भाई के चोटे आई इनके। अच्छा, घर में घुस के मारे ना? जी जी जी। और साहब 1 करोड़ की संपत्ति बेचे रहे जमीन वमीन। हाँ। गर्मी उनके वहाँ बू रही। अच्छा, और साहब कोरोना का बहाना लिया। और साहब ये तो होली के पहले से घर में है। हाँ। मारपीट के मामले में क्या जानकारी? मारपीट में 108 की एम्बुलेंस से 3 लोगों को लाया गया था घायल अवस्था में। उसमें से 4 लोग आए थे, उसमें से 3 लोग घायल थे, 1 मृत अवस्था में लाया गया था। जो मृत अवस्था में लाया गया था उसका नाम सती कुमार, 30 साल है। ये लोग दुलमपुर थाना बचना में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले थे। क्योंकि बताया कि मारपीट के दौरान सती कुमार जी की हत्या हो गई, लाठियों से मारा गया उनके घर वालों को। उनका 15 से 20 लोगों ने लाठियों से मारा, क्योंकि हेड इंजरी होने से उनकी मृत्यु हुई।